पठान सेकेंड ट्रेलर, यानी पठान मूवी का सेकेंड वा ट्रेलर यानी कि दूसरा ट्रेलर कब आने वाली है, यही ज़्यादा मतलब सर्चिंग में है, ज़्यादा पब्लिक इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा पब्लिक यही सवाल कर रहे हैं पठान का ट्रेलर नंबर टू कब आने वाली है, पठान का दूसरा ट्रेलर कब आने वाली है, पठान का सेकेंड ट्रेलर कब आने वाली है। तो इसी चर्चे पे चल रही है। हालांकि अभी तक पठान का पहला ट्रेलर से मतलब एक पब्लिक के ऑडियंस के दिलों पे छाई हुई है। अभी वो चल ही रहा था जब तक दुबई में जो ट्रेलर लॉन्च हुआ बुर्ज खलीफा पे, वो मतलब क्रेज चलने लगा। अब इसी में और भी ऑडियंस इंतजार कर रही हैं, जो सेकेंड ट्रेलर का पहले से बात हुआ था, जो पठान का सेकेंड ट्रेलर है वो आने वाली है, उस ट्रेलर को लेकर मतलब अभी कुछ अपडेट आया कि नहीं आया, जिसमें पठान का सेकेंड ट्रेलर में सलमान खान, शाहरुख खान, जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण, यानी कि ये सब कैरेक्टर उसमें होने वाले थे, और सलमान सर का थोड़ा सा ही सीन टाइगर थ्री वाला जो लुक था वो इसमें देखने के लिए मिलता पठान का ट्रेलर में। तो वो देखने के लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फाइनली ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब ये सुनने के लिए मिल रही है, अब इससे तो अब बस 10 दिन बाकी है, यानी कि 9 दिन बाकी है, तो अब क्या इसके अंदर में पठान का जो सेकेंड ट्रेलर है वो आएगा? तो शायद यही लग रही है कि नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल चल रही है, जिस हिसाब से पठान का इतना ज़्यादा क्रेज है, जिस हिसाब से पठान मूवी का इतना बज है, जिस हिसाब से पठान मूवी का प्रमोशन का ज़रूरत नहीं है, उस जगह पे मतलब अब ट्रेलर लॉन्च करने का कोई ज़रूरत नहीं बनता है। शायद अब पठान मूवी को प्रमोट करने का मतलब स्टार्ट करेंगे वो लोग, और पठान से जो प्रोमो निकल के आएगी ना, पठान मूवी प्रोमो ऐसा छोटा छोटा कट कट आता है, वैसा आएगी शायद अब। तो नहीं लगता है, 100 में से 99% यही है कि सेकेंड ट्रेलर नहीं आने वाली है, सेकेंड ट्रेलर कैंसिल हो चुका है शायद, क्योंकि पहले से ही ये एक बना हुआ था कि तीन ट्रेलर बन के आए हुए हैं पठान का, तीन ट्रेलर हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो उसमें से सिलेक्ट किया गया था वो ऑलरेडी पठान का ट्रेलर रिलीज हो चुकी है। तो अब शायद सेकेंड ट्रेलर का कोई चांस नहीं दिख रही है, और 1% चांस है कि पठान का ट्रेलर आ सकती है, लेकिन को ना के बराबर है। अब आगे 10 दिन के अंदर में देखते हैं क्या मतलब करना चाहते हैं यशराज YF50 वाले, स्पाई यूनिवर्स में से और भी कुछ रिलीज करना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन मेरा जहाँ तक ये अनुमान है कि शायद अब सेकेंड ट्रेलर नहीं आने वाली है, बस इतना ही पे रह जाएगी। जो ऑडियंस इंतजार कर रहे थे सलमान सर को देखने के लिए पठान ट्रेलर में, अब वो डायरेक्ट पठान मूवी सिनेमा घरों में देखेंगे, उसी में सलमान सर का पहला जो लुक रहेगा, जो एंट्री सीन रहेगा, A to Z उसमें देखने के लिए मिलेगी। तो ओवरऑल ये एक अच्छी बात है, जो बज बनी हुई है पठान मूवी को लेकर, सलमान खान को लेकर, वो सब सिनेमाघरों में निकलेगी। तो ये भी एक सही मतलब जो अपडेट आ रही है वो ठीक आ रही है, अच्छी बात है कि पठान मूवी ओनली वन थिएटर में सलमान खान को देखने के लिए मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, अगर ट्रेलर रिलीज होता तो अच्छी होती, या पठान ट्रेलर सेकेंड मतलब नहीं, बाद में मतलब नहीं रिलीज होती तभी अच्छा होता, ये आप लोग कमेंट बताएं। क्योंकि ट्रेलर आता भी तब भी ठीक था, नहीं आया हुआ है तब भी ठीक है, एंड A to Z परफेक्ट पठान के लिए, दोनों ही ऑप्शन ठीक था, जो पठान को आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑडियंस दोनों तरफ से खुश रहेंगे, आएगा तब भी नहीं आएगा तब भी। ओवरऑल आप लोग क्या लगता है आप लोग कमेंट बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यहाँ पे एक से एक बढ़कर अपडेट मिलता रहेगा, मूवी रिव्यू और रिएक्शन A to Z मिलेगी, पठान से छोटी बड़ी से बड़ी A to Z अपडेट आएगी। अब पठान मूवी का जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आने वाली है, एडवांस बुकिंग कितना हो रही है, मतलब फर्स्ट डे पठान मूवी कितना कलेक्शन करेगी, वो सब मतलब एक वीडियो आप लोगों के यहाँ पे मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लोगों को अपडेट मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।